आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन। घर आंगन के शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर, और मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, आप ये प्रोग्राम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं, और साथ ही आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, और आप हमें सुन रहे हैं यूट्यूब के चैनल 24/7 पर भी। तो सखियों, आज सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। क्यों सिमरन? ऑनलाइन शॉपिंग तुम तो करती हो बहुत, मुझे मालूम है। सुन के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई खाने की चीज होती है। जल्दी से कोई पार्सल सिमरन को अभी मिल जाए और वो फटाफट से खोल ले, और वो बिल्कुल वेट नहीं करेगी कि स्टूडियो में हूँ कि कहाँ हूँ। वैसे बात तो सही है, बात करते हैं कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की सखियों, जो सभी के जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। जो लोग खुद से भी ये करने को सक्षम नहीं, उनके मित्र हैं, परिवार हैं, बच्चे सब है ना, उन्हें वो सब बताने के लिए। क्यों? बिल्कुल सही कहा। और वैसे तो देखो, बड़ा अच्छा लगता है जब पार्सल आता है और उसे ओपन करके देखना, एक उत्सुकता जो बनी रहती है। हाँ, मैंने कहा था ना सिमरन जरूर ये बोलेगी। और जो पैसे जाते हैं वो भी तो अपनी पॉकेट से जाते हैं भाई। हाँ वो तो है भाई, वो तो हम देंगे ना जब लेंगे तो। देंगे जी, बिल्कुल हम ही देंगे। लेकिन जरा सोचो नीता, कई बार हम ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग भी कर बैठते हैं जो कि हमें वो बेकार साबित हो जाती है, यानी प्रोडक्ट्स बस पड़ा ही रहता है, उसे हम ना तो देखते हैं ना उसे हम यूज करते हैं। हाँ ये बात तो है सिमरन। और क्या होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारी चीजें हमारा मन मोहती हैं, जैसे हमारी सखियों के कई सारे सूट्स, सैंडल्स और साथ में कॉस्मेटिक का सामान, ये सब जो चीजें होती है ना वो हमारा सच में मन मोहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि वाओ इस सूट का कलर सो कैची, जल्दी से ले ले। ये किचन वेयर, ये तो भाई बड़े ही काम का है। ये मेरा वाला लिपस्टिक कलर, अरे मेरे बेबी के लिए वो टी शर्ट, वाओ। तो भाई जरूर करें ऑनलाइन शॉपिंग, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि ना करें। एक आधुनिक स्विच है सखियों हमारे पास ही, लेकिन बेकार की ऑनलाइन शॉपिंग से हमें जरूर बचना चाहिए। थोड़ा विमर्श अपने आप से ही हम जरूर करें कि क्या मैंने जो अब तक ऑनलाइन शॉप किया, क्या सब मैं वो अच्छे से इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या जो मैं खरीद रही हूँ ले रही हूँ मेरे काम का है। एक विमर्श जो हम अपने आप से करें तो समझ पाएंगे कि हम कभी कभी बेकार की ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद जाए और जगह भी, तो बिल्कुल स्पेस भी तो गिरता है ना। तो सखियों, स्मार्ट शॉपर बने, जब भी आप कभी ऑनलाइन से चीजें खरीदें तो जरूरी सामानों के लिस्ट बनाकर ही खरीदें। एक्चुअली ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको वहां पर कई सारे ऑप्शंस देखते हैं, तो कई बार बेकार की जो चीजें होती है ना वो भी हमारी ऑनलाइन शॉपिंग का हिस्सा बन जाती है, बजट भी गड़बड़ा जाता है। और एक बात और नीता, की सेल जरूरी तो होती है, कई बार कई चीजें सेल में अच्छी भी लगती हैं, पर हम चीजें ऐसे खरीद भी सकते हैं सेल से। लेकिन एक बात मैं ऐड करूंगी कि जहां आप रिव्यू चेक कर लें तब आप इस्तेमाल करें, तब चीजें खरीदें। हाँ सिमरन जी, तुमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि रिव्यू जरूर चेक कर लें कोई ऐसा सामान खरीद रहे हैं तो जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट लिस्ट के नीचे उसके रिव्यू जरूर लिखे हुए होते हैं, तो यहाँ पर पहले से ही कई ग्राहक उस प्रोडक्ट के बारे में अपने विचार लिखते हैं। ऐसे में कोई भी सामान खरीदने से पहले आपको उस प्रोडक्ट रिव्यू को जरूर जरूर पढ़ना चाहिए। और घर, अलमारी, किचन, यानी कुल मिलाकर हमारा घर आंगन ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन, खुला खुला रहे। तो सखियों, आज से ही बेकार की ऑनलाइन शॉपिंग से बच जाएं और जरूरी ऑनलाइन शॉपिंग फुल्ली फुल्ली एंजॉय करें। लेकिन नीता, कई बार तो कई लोग कहते हैं हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हम बदलेंगे नहीं। हम बदलेंगे।
नीता, मानसून आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बारिश की फुहारों को देखकर सबका मन करता है कि एक बार भीग लिया जाए। बिल्कुल। लेकिन डर भी लगता है कि बारिश के पानी से हम कहीं बीमार ना हो जाए। बिल्कुल, लेकिन अगर बारिश में अगर भीगे जाए तो क्या करें, क्या बातें फॉलो करें कि बीमार ना पड़े हम। बिल्कुल सही, क्योंकि देखो रिमझिम बारिश में भीगना भी कभी मन को देता है सुकून इतना कि धुल जाता है तन मन, जो लिए फिरता सब उद्गार कटु विचार। बिल्कुल, और हम तो कहेंगे भाई कोशिश करें कि बाल ना भीगे सबसे पहले, क्योंकि बाल भीगने से बीमार पड़ने के चांसेस बहुत जल्द होते हैं। तुरंत कपड़े बदल लें, गर्म चाय या कॉफी ले लें, गर्म सूप भी ले सकते हैं। और बारिश में भीगने के बाद सबसे पहले गीले बालों को सुखाना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि सर्दी जुकाम बुखार सिरदर्द जैसी समस्या ना हो। और हाँ, आप शावर भी ले सकते हैं, इससे शरीर का जो तापमान होता है वो मेंटेन हो सकता है, जिससे स्किन प्रॉब्लम जो होती है वो आपको नहीं होगी। ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और जितना जल्दी हो सके कपड़े बदल लें जिससे कि ठंड ना लगे। और कई बार क्या होता है सिमरन, फंगल इन्फेक्शन का भी खतरा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और सबसे पहले खुद को सुखा लें, क्योंकि गर्म चाय जैसे आपने अभी भी बताया, काढ़ा पी लें, सूप भी पी सकते हैं, एनर्जी इससे मिलती है, क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम आपका जो होता है मजबूत हो जाता है, तो इसलिए आपको ज्यादा ठंड की संभावना नहीं होती और ना ही लगती है। बिल्कुल, और अगर घर में एंटीबैक्टीरियल क्रीम है तो सखियों उसे जरूर लगा लें, ये आपको इन्फेक्शन से बिल्कुल सेफ करेगी। और फिर देर किस बात की नीता, बेझिझक होके भीगो, भीग जाओ तो चले अभी। चले अभी। बिल्कुल, मैं भी वही सोच रही हूँ कि चलते हैं, हम भी थोड़ा सा मजा ले लेते हैं बारिश का। चूम गई पुरवा हवा, आँखें जो खुली तो सब कुछ था नया। पल भर तेरे सपनों में खो गई, दिन के उजाले में ही रात हो गई। काली काली घटा आके कब छा गई, आई बरसात तेरी याद आ गई। भीग तन्हाई मुझे तड़प आ गई, तड़प आ गई।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन और आज के इस कार्यक्रम में हम दोनों हैं आपके साथ। मैं हूं नीता अग्रवाल और मेरे साथ हैं सिमरन सखी। सिमरन, सबसे पहले तो अब गीत के बाद गीत इतने प्यारे प्यारे आप सुनवा रही हो और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल तुम्हारा मन है कि बारिश भाग जाऊं बाहर, बारिश में बारिश हो जाए। बिल्कुल, बारिश भी हो जाए हम ये चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे लिसनर और क्या सुनना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो हम उन्हें मेल एड्रेस बता देते हैं। बिल्कुल, fmgoldga@gmail.com। और अब बात करूं कि तुम क्या कह रही थी बारिश के बारे में, अब भाई मैं ये कह रही थी कि मुझे तुम्हारे व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि बस कार्यक्रम जब खत्म होगा ना तो बस कुदरती बारिश बरस जाए और तुम बाहर चली जाओ और भीग जाओ और भीग जाओ और इसके बाद देखो भीगना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने आप को बचा कर, और अभी हमने जैसे बात की कि अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ भी रखना ज़रूरी है, भीगना तो एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपने चेहरे को भी, यानी अपने चेहरे का ध्यान रखना भी ज़रूरत है, क्योंकि इस मौसम में खास तौर पर जो है हमारी त्वचा का भी ध्यान रखना उसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें मुहासे बहुत निकल आते हैं, दाने बहुत हो जाते हैं, त्वचा फंगल हो जाता है, कई बार एलर्जी हो जाती है, कई चीज़ें हो जाती हैं, तो इस वजह से अपने त्वचा का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और खूबसूरत चेहरा हर किसी को देखे अच्छा लगता है, हम सभी चाहते हैं कि चेहरे पर कोई दाग इत्यादि ना हो, तमाम प्रयास भी करती हैं हमारी सखियाँ इस ओर, और कई बार होता ही है कि मुहासे हो जाते हैं, उन्हें झेलो, फिर उनके बाद उनके दाग भी चेहरे पर ज़्यादा या कम समय तक टिके रहते हैं। भाई हम सभी चाहते हैं कि स्किन अच्छी रहे, और बढ़ती उम्र में अगर मुहासे आ जाएं फेस पर तो ये बात माइंड में ज़रूर आती है कि भाई हम जब यंग हुए होते थे तब तो वही मुहासे आते थे, अब इनका क्या काम। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या किया जाए सिमरन, तुमसे इसलिए पूछा मैंने कि भाई तुम्हारे पास बहुत सारे उपाय होते हैं मुझे पता है, और तुम्हारी स्किन भी तो हमेशा तुम्हारी सीरत जैसी दमकती रहती है, अब बताओ कुछ उपाय। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि किशोर के मुहासे नहीं, विशेषकर बड़ी उम्र में होने वाले मुहासों से कैसे निपटा जाए ये बताओ। थैंक यू नीता, मेरी सूरत और सीरत दोनों की तारीफ के लिए। क्या होता है कि जब हमारी त्वचा पर मौजूद तेल ग्रंथियां बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाते हैं तो मुहासों का जन्म हो जाता है, और हमारे शरीर में हथेलियों और तलवों को छोड़कर ये तेल ग्रंथियां पूरे शरीर की त्वचा पर मौजूद होती हैं। त्वचा के रोम छिद्र भीतर से ही इन तेल ग्रंथियों वाली कोशिकाओं से जुड़े होते हैं, और यही रोम छिद्र सीबम पैदा करते हैं जो त्वचा की खूबसूरती और उसके भीतर तेल संतुलन को बनाए रखने में मददगार। जब उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं जो हमारी त्वचा की तेल ग्रंथियों का संतुलन बिगाड़ देते हैं। इस संतुलन के बिगड़ने की वजह से ही हमारी त्वचा पर मुहासे नजर आने लगते हैं। तो नेता, उपाय के रूप में सबसे पहले कारणों को दूर भगाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर घरेलू या दवा या डॉक्टर का उपचार करना चाहिए। देखो, वैसे घरेलू उपायों में मैंने सुना है कि मुल्तानी मिट्टी बहुत कारगर होती है, तुम क्या कहती हो? बिल्कुल बिल्कुल, और अगर हम वजहों की बात करें तो सिमरन कई बार ये वजह भी हो जाती है कि मासिक धर्म रुकने या अनियमित होने के कारण, कॉस्मेटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल, मेकअप रिमूव ना करना ठीक से, कुछ दवाएं हमारी सखियां सेवन कर रही तो उससे भी ज्यादा ऑयली फूड खाने के कारण, तो ये सब कारण हो सकते हैं, और इनमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है स्ट्रेस, तनाव ज्यादा लेंगे तो भी मुहासे हो जाते हैं। और हाँ, मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल कारगर उपाय होती है, रात भर भिगो दें इसे और सुबह इसमें दही, नींबू की कुछ बूंदें, चंदन पाउडर, रोज वाटर मिला के पेस्ट जैसा बना लें और फेस को अच्छे से क्लीन करके इसे अप्लाई करें। आंखों और आईब्रोज और होंठों को छोड़कर पूरे फेस और गर्दन पर भी अप्लाई करें, हार्डली 10 मिनट्स में ये ड्राई भी होने लगता है, बस एक बार वेट करें फिर से फेस को और हल्का हल्का रब करके सारा धोलें, हर 2 दिन बाद करें। एक और उपाय भी हो सकता है नीता, जैसे नीम के पत्तों को सुखाकर पाउडर बना लें और बराबर मात्रा में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर इसे गुलाब जल में मिलाकर पेस्ट बना लें और आप इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करें और सूखने के बाद आप वॉश कर लें। इसके अलावा एलोवेरा जेल भी कारगर हो सकता है मुहासों के लिए। कहते हैं कि सिर्फ एक पत्ती लेकर जेल को निकाल कर आप अपने चेहरे पर लगा लें और 15 मिनट बाद आप सादे पानी से धो लें तो इससे भी आपको बहुत राहत मिलती है और आपका रंग भी साफ हो जाता है। बिल्कुल, और एक चीज और बताऊं सखियों की, बड़ी उम्र में मुहासों से दूर रहना है या जल्द इनसे मुक्ति पानी है तो भरपूर सलाद खाएं, मौसमी फलों का सेवन करें, दही खाएं, कम ऑयली फूड और फ्रेश फूड खाएं, पानी पिएं,
बिल्कुल, और बढ़ती उम्र में मुहासों को दूर रखने के लिए आप जल्द इसे इसे भगाने के वास्ते ये भी करें, फेस वॉश करते समय समय पर आप मेकअप को अच्छे रिमूव करें, पानी खूब पिएं, पौष्टिक संतुलित आहार लें, योग व्यायाम को अपने जीवन शैली में ज़रूर अपनाएं। बिल्कुल, और सकारात्मक सोच रखें सखियों, कभी भी मुहासों को हाथ से स्क्रब नहीं करें, ना ही बार बार हाथ लगाएं। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मेरी सिमरन सखी ने भी बताया कि भाई तनाव की बात और एलोवेरा का जिक्र इन्होंने किया, तो उन बातों को जरूर जरूर अपनाएं। बिल्कुल ठीक, और तनाव जीवन में हो जाता है, लेकिन इसे कम करना काफी हद तक हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आपको लगे कि मुहासे तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, दाग जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो डॉक्टर की सलाह यानी मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है। एक बार आप डॉक्टर से भी आप दिखा सकते हैं उसको। बिल्कुल, और गंभीर अवस्था का एहसास पूर्ण रूपेण होने से पहले पहले ही डॉक्टर को विजिट करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है सखियों के शरीर में कोई इन्फेक्शन हो या कुछ ऐसी बात जो हम नहीं खोज पा रहे, वो हमें हमारे डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। तो डॉक्टर के पास जाएं, देरी बिल्कुल ना करें, मेडिकल ट्रीटमेंट लें और फिर तैयार होकर जरा घर से बाहर घूमने भी जाएं।
कभी ये सुना है कि सीधा चलने के बजाय उल्टा चले तो गिर जाऊंगी? नहीं, गिरने की बात नहीं है भाई। देखो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई तरह की एक्सरसाइज की जा सकती है। अब दुनिया भर के विशेषज्ञ जो हैं वो टहलने को सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानते हैं, ये तो मानते हो ना? क्योंकि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इसे कोई भी कर सकता है। पर क्या आपको रिवर्स वॉकिंग यानी उल्टा चलने के फायदों के बारे में पता है? पता है, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े बहुत पता है वैसे। और सच बताऊं तो मैं उल्टा कुछ कदम चलती भी हूँ रोज। अच्छा, बिल्कुल ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े कदम चलती हूँ। हाँ, रिवर्स वॉक साथियों बहुत ही फायदा देती है ये वॉक, क्योंकि कोई भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है बहुत बहुत आसानी से। उल्टा चलने से हमारा जो दिमाग है और जो शरीर है उसके बीच जो संतुलन होता है ना वो बड़ा अच्छा बना रहता है। डेली 20 से 30 कदम रिवर्स वॉक करने से किडनी, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से जुड़ी परेशानियां भी काफी हद तक दूर होती हैं। और सबसे पहले उल्टा चलते समय आपके दिमाग को ज्यादा काम और फोकस करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि दिमाग की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है रोजाना। तो उल्टा चलने से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे रोगों से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा उल्टा चलने से सखियों घुटनों से जुड़ी जो समस्याएं हैं ना उनको भी हम दूर भगा सकते हैं। घुटनों में कोई दर्द है, सूजन है या फिर गठिया जैसी परेशानी है तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अब जैसे आपने घुटनों के दर्द के लिए बताया नीता, वैसे ही पैरों के पीछे के मांसपेशियों की जो एक्सरसाइज होती है, जबकि नॉर्मल वॉकिंग करने से पैरों पर इतना जोर नहीं पड़ता जितना कि अगर आप उल्टे चलते हैं, तो इससे एक्सरसाइज ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, रिवर्स वॉकिंग से आपको पीठ के लंबे समय से बने हुए दर्द और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई समस्या और कमर दर्द से भी राहत मिलती है। और उल्टी सैर आपके शरीर और दिमाग के बीच में बैलेंस को बेहतर बनाती है, क्योंकि सीधा चलने की वजह यानी कि अगर उल्टा अगर आप चलें, कहते हैं ना कि आपके दिमाग का पूरा जो ध्यान है वो आपके शरीर के मूवमेंट पर होता है, तो इससे शरीर का संतुलन भी बढ़ता है और दिमाग की एकाग्रता भी। बिल्कुल। और उल्टा चलना उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है जो अपना वजन कम करना चाहते हो। जब आप उल्टा चलते हैं तो शरीर के आगे और पीछे के हिस्सों को एक साथ बैलेंस करना पड़ता है हमारी बॉडी को। इससे हम अपनी बॉडी को कुछ टाइट करके चलते हैं जिसके कारण वजन भी कम होता है। तो फिर कितने फायदे हैं उल्टा चलने के? बिल्कुल, बहुत सारे फायदे हैं। तो इसे अपने व्यायाम का आवश्यक हिस्सा बनाएं साथियों, जीवन को सीधा चलाएं यानी स्वस्थ रहें। यानी इतने फायदे कि जितने हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल।
बच्चों और युवाओं को लेकर परिवारों में और स्वयं बच्चों एवं युवाओं में उनके करियर को लेकर बहुत सारी चिंताएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में ये कंफ्यूजन ज्यादा कि 12वीं के बाद कौन से विषय चुने या क्या आगे करें, और कॉलेज के बाद भी हमारे जो युवा बच्चे तरह तरह के एंट्रेंस टेस्ट फील्ड्स में जाने हेतु सोच विचार कर रही हैं। मतलब आप बात कर रही हैं कैरियर गाइडेंस की। इन दिनों जुलाई के महीने के बाद सारे बच्चे स्कूल जाते हैं पास आउट होकर, उसके बाद फिर कॉलेज में आप वो ले आ जाते हैं नए तरीके से, तो फिर नए सब्जेक्ट लेने, नए क्या करना है, नया कौन सा विषय लेना है, किसकी गाइडेंस की ज़रूरत है, ये सब बहुत ज़रूरी है और इस पर विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, और ऐसे में कई बार क्या होता है कि परिवार और मित्रों की सलाह भी समझ में नहीं आती है, ऐसे में करियर गाइडेंस बहुत ही जरूरी हो जाती है उनके लिए, जो करियर विशेषज्ञों से ही उन्हें मिल सकती है। जैसे उस बच्चे या युवा को पूरी एजुकेशन बैकग्राउंड को समझकर, उसकी कला कौशल को समझकर, उसकी निजी सोच को समझकर, उसे किसी भी करियर के लिए ऑप्शन के लिए राह दिखाना बहुत जरूरी है, और ये करियर गाइडेंस बहुत जरूरी होती जाती है उसके लिए। बिल्कुल, स्टूडेंट के मन में क्योंकि इस समय बहुत ही द्वंद्व होता है कि क्या करूं, कौन सा विषय लूं, ऐसी बातें, ऐसे में करियर मार्गदर्शक सही राह सुझाने में सक्षम होता है। देखो, हमारे बच्चों को मांस के माता पिता परिवार जन ये प्रोग्राम जो भी सुन रहे हैं तो आगे इस बात को जरूर शेयर करें कि इस समय बच्चों युवाओं के लिए करियर गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, उन्हें प्रेरित भी करें ऐसी बात के लिए कि वो समझें इन चीज़ों को कि क्या हमें विषय चुनना है, क्या फील्ड, हेल्प ज़रूर करें। और करियर गाइडेंस जो देते हैं वो चूंकि एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता होता है, तो करियर काउंसलर्स भी अस्तित्व में है यूँ तो। और कहने का अर्थ ये कि सोच विचार में ऐसा ना हो कि वक्त बर्बाद हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है ये वाला आफ्टर स्कूल या आफ्टर कॉलेज, तो करियर गाइडेंस अवश्य अवश्य लें। तो हम अपने सभी बच्चों युवाओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, आप अच्छे से अच्छी कोशिश कीजिए अपनी राह में। और एक बात विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि एक राह ना बने तो ना सही, यानी ऑप्शन और बहुत सारे हैं, तो आप नव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। तो हम कहेंगे हैप्पी कैरियर गाइडेंस।
नीता, हर दिन के साथ कुछ यादें कुछ बातें जुड़ी हुई रहती हैं। बिल्कुल। आज 10 जुलाई के दिवस में साथ ही कुछ यादें कुछ बातें जिक्र करते चलते हैं। संक्षेप में हम खास तौर पर पद्मश्री पद्मभूषण पद्म विभूषण सम्मानित बॉलीवुड में गुजरे जमाने की एक महान और 102 वर्ष की पूर्ण आयु लेकर जाने वाली महान चरित्र अदाकारा की आज पुण्य स्मृति है। 40 दशक प्रदर्शित फिल्में नीचा नगर, अफसर से लेकर 90 दशक की फिल्म दिल से और वर्ष 2004 प्रदर्शित फिल्म वीर सारा और अंतिम फिल्म उनकी रही अभिनीत वर्ष में 2007 प्रदर्शित फिल्म सांवरिया। नाम है इनका जोहरा सहगल। तो आज इन महान चरित्र अदाकारा की पुण्य स्मृति है। सिने जगत में अपने अनमोल योगदानों के लिए हमेशा याद की जाएंगी जोहरा सहगल। बिल्कुल, हर दिन के साथ कुछ यादें कुछ बातें संक्षेप में जिक्र हम कर रहे हैं। जोहरा सहगल का आपने जिक्र किया और सखियों आज गीतकार असद भोपाली की जन्म स्मृति है। वो जब याद आए बहुत याद आए, अजनबी तुम जाने पहचाने लगते हो, ऐ मेरे दिले नादा तू गम से ना घबराना। आज बहुत सुंदर सुंदर गीत याद आ रहे हैं तुमको। सुनवाने वाली हो क्या? गीत तो सुनवाने वाली नहीं हूँ समय अभाव के चलते, लेकिन हाँ जिन्होंने ये अप्रतिम गीत कलमबद्ध किए उनका जिक्र जरूर करेंगे हम। अच्छा, तो फिर इंतजार मत कराओ और जल्दी बताओ। आज सुरीली दुनिया के मशहूर शायर और गीतकार रहे असद भोपाली की जन्म स्मृति है। वर्ष 1949 से लेकर 1990 तक फिल्मों में सक्रिय रहे थे असद भोपाली। अपने रचित तमाम उम्दा गीतों के लिए हमेशा हमेशा याद किए जाएंगे गीतकार असद भोपाली। आज है इनकी जन्म स्मृति। और इसके अलावा? और इनके अलावा आज सुनील गावस्कर, जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे खिलाड़ी सुनील गावस्कर का जन्म दिन है। सलामी बल्लेबाजों में से एक सुनील गावस्कर, आज इनका जन्मदिन, तो इन्हें हम कहते हैं हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल। और नीता, एक बार फिर से अपने लिसनर को हम बताना चाहेंगे कि अपना ईमेल एड्रेस fmgoldga@gmail.com। आप कोई भी सुझाव हो, अपनी प्रतिक्रिया, आप हमें इस मेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। अब बात कुछ करना चाहती हूँ, थकी थकी नींद की लगता है। नीता, ये सच है कि भाई देखो, गुड नाइट स्लीप लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी नींद का असर आपके पूरे स्वास्थ्य पर पड़ता है, तो नींद पूरी ना हो तो पूरे दिन मूड खराब रहता है और सारा दिन थके और क्रैंकी लगते रहते हैं आप, क्यों? बिल्कुल, तभी तो कहते हैं ना, दिन गुजर जाता है रात कटती नहीं। कभी कभी ये दिक्कत भी पेश आ जाती है, कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ तो बहुत बार होता है, और लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रख लें तो फिर इस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि मेडिटेशन आपका स्ट्रेस कम करने में सहायक होता है, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है, क्योंकि इससे जो करने से ना क्या होता है कि आप थकान जो है आपको बहुत कम होती है और आपको जो नींद है ना वो बहुत अच्छी आती है। तो मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं होता कि आप सुबह उठ के ही करें, जैसे आप सुबह उठ जाएं और आपको कहे कोई 4 बजे करें, ऐसा नहीं है। आपको जब आपको लगे कि मैं मतलब मुझे रिलैक्स लेना है या मुझे करना है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। ये भी जिक्र जरूर करें कि मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन होता है जो प्राकृतिक रूप से शरीर में निर्मित होता है और इसका उत्पादन प्रकाश से निकटता के साथ जुड़ा हुआ होता है। अंधेरे की प्रतिक्रिया में मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन का उत्पादन शुरू कर दिए थे, लेकिन क्या होता है कि प्रकाश यानी लाइट के एक्सपोजर से उस उत्पादन की गति को ये धीमा कर देता है या रोक देता है और नींद हमारी हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल डिस्टर्ब। जी हाँ, एक्सरसाइज आपकी नींद की चाबी हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि सोने से तुरंत पहले ये ना करें, क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल को बिगाड़ सकती है। तो आप ऐसा कभी ना करें, आप किसी और टाइम इसे कर लें, लेकिन सोने से पहले ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। और सोने से पहले लगभग 2 घंटे पूर्व खाना खा लें, नहीं तो खाना खाकर एकदम सोएंगे तो नींद अच्छी नहीं आएगी। और सोने से पहले फ्रेश होकर सोएं, यूरिन पास कर, हाथ मुंह पैर अच्छे से धोकर, हेयर कॉम्ब भी कर लें तो और फ्रेश हो जाएंगे। देखो, इसके अलावा स्लीप शेड्यूल बनाना जरूरी है ताकि टाइम पर सोने और उठने की आदत बन जाए। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना सबसे अच्छा माना जाता है। बिल्कुल।
और लेवेंडर ऑयल की भीनी भीनी खुशबू अच्छी नींद लेने में बहुत ही सहायक भूमिका अदा करती है सखियों। इस ऑयल की कुछ बूंदें तकिए पर या रूम में डाल दी तो पूरे वातावरण के साथ साथ आपका मन मस्तिष्क जो महकेगा ना, उससे नींद बहुत अच्छी आएगी। और लेवेंडर ऑयल से मुझे याद आया कि या फिर आप बाथ लेते समय इसे यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ बूंदे आप डाल लें तो तब और भी ज्यादा खुशबू आएगी और आपको और अच्छी नींद आएगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और सोने के लिए सही गद्दे और तकिए का चुनाव भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गद्दा आरामदायक हो और तकिया ऐसा जिसमें सही रूप से हमारे सिर और गर्दन को भी उचित सहारा मिले। तो हैप्पी हैप्पी गुड नाइट लीजिए। बिल्कुल। और सपने ढेर सारे देखिए। बिल्कुल। और सखियों, इन्हीं गीतों बातों जानकारियों के साथ आज का घर आंगन कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। कीजिए स्वीकार मेरा यानी नीता अग्रवाल और सिमरन कौर का प्यार भरा नमस्कार। और आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी रश्मि कुकरेती। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। आंगन।